डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी थाना इंचार्ज के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीआईजी ने थाना इंचार्ज को हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में कोई पुलिस का जवान किसी भी आम आदमी के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखा तो मामले में थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी उनकी बात नहीं मानता है या फिर पुलिस के लिए सिरदर्द बन सकता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर पुलिस लाइन को देंगे। और इस तरह के कोई कर्मचारी हैं जिनके बारे में आम प्रशासन इस तरह का है, उनको अगर वो प्लेसमेंट चाहते हैं तो उसके बारे में बता दिया गया है कि इमीजिएटली उनको लाइन से जो है हम लोग मैन पावर की जो आवश्यकता है पूरी कर देंगे। और जिस तरह के कर्मचारी हैं उनको जहाँ पर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है या कुछ इस तरह की बात है उसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। सौरभ भाटिया जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सौरभ। जिस तरीके से कुछ तस्वीरें हाल ही में निकल कर आई देहरादून से, ऋषिकेश क्षेत्र से और नेहरू कॉलोनी से कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, पुलिसकर्मी आम जनता से कैसे बिहेव करते हैं, उसके बाद डीआईजी ने सख्त रुख अपनाया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल ये मामला सामने आया था जिसमें बकायदा एक दरोगा के द्वारा जो है अभद्रता की गई, वहीं दो पुलिसकर्मियों के द्वारा एक युवक को मारा पीटा गया, जिसके बाद जो है डीआईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई भी की। हालांकि अब डीआईजी ने एक चीज और निर्धारित की है कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में कोई सिपाही किसी से बदसलूकी करता हुआ मिला, कोई गाली गलौज करता हुआ मिला तो संबंधित जो है थाना इंचार्ज के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो सकता है, उसकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। इस तरीके के आदेश दिए, यानी कि उन्होंने एक सीधा मैसेज देने का काम किया है कि थाना इंचार्ज खुद अपनी जो टीम को संभाल के रखे, जिससे जो है शहर में भय की स्थिति पैदा ना हो, थाना क्षेत्र में भय की स्थिति ना पैदा हो। जहां पुलिस को मित्रता की बात की जाती है कि मित्र पुलिस है राज्य की, लेकिन उसके बावजूद शत्रु की भूमिका में पुलिस दिखाई देती है, तो लिहाजा डीआईजी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और हिदायत देते हुए ये जरूर कहा है कि अगर कहीं भी इस तरीके के मामले की पुनरावृत्ति होती है तो संबंधित थाना इंचार्ज पर भी कार्रवाई होना तय है। जी, जिस तरीके से मामले सामने आए आप तो डीआईजी साहब भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं, इससे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि पुलिस का ये कार्य करने का तरीका आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा, क्योंकि सीपीओ का गठन हुआ था, कई लोगों ने सीपीओ पर भी आरोप लगाए, वीडियो बनाते हैं, मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आना, पुलिस सड़क पर ही इंसाफ पर उतर आई। बिल्कुल, देखिए जब जो है इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो पुलिस की फजीहत भी होती है, आला अधिकारी ये नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं उसी समय कि खुद जो है अधिकारी इस चीज को तय कर ले, वो पुलिसकर्मी तय कर ले कि किसी भी व्यक्ति के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, कोई भी राह पे चलता हुआ आदमी अपराधी नहीं है, इस तरीके का हथकंडे अपनाना बिल्कुल सही नहीं और इसे किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता। ऐसे में अधिकारियों ने अब इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई है और ये आदेश जो है बकायदा लिखित में जारी हुए हैं कि अगर कोई भी थाना इंचार्ज उसके क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो संबंधित थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि जो है मुकदमा कायम होगा, गिरफ्तारी तक हो सकती है, यानी कि बहुत बड़ी चीज जो है इस समय ये नसीहत के तौर पर दी गई है। अगर जो है अभी भी पुलिसकर्मी नहीं अपनी कार्यशैली में सुधार लाते तो आने वाले सभी। ये सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अनुशासन को लेकर भी डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने साफ कर दिया कि अगर आदेशों का पालन नहीं होता, इन आदेशों के बारे में अगर कोई पुलिसकर्मी सोचता नहीं, इसका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ बकायदा एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और पुलिस लाइन भेजी जाएगी। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये भी जरूर जो है एक मैसेज देने का काम किया है कि जो पुलिसकर्मी अपने आला अधिकारियों की बात को खारिज करता है या नकारता है उस थाने के जो इंचार्ज को उन पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट जो है बकायदा आरआई को देनी है, पुलिस लाइन में देनी है, जिससे जो उन पुलिसकर्मियों को थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेजा जा सके, वहां पे पुलिसकर्मी रिप्लेस किया जा सके। अगर उसके बावजूद भी अगर थाना इंचार्ज पुलिसकर्मियों को बचाने का काम करता है तो संबंधित थाने इंचार्ज की जिम्मेवारी तय होगी और उस पर कार्रवाई होना भी तय है। सौरभ, जिस तरीके से नेहरू कॉलोनी वाला मामला सामने आया था उसमें आम जनता ने अभद्रता का वो वीडियो बनाकर डीआईजी अरुण मोहन जोशी को भेजा था जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की, आम जनता के लिए किस तरीके से डीआईजी ने यहाँ पर अपील की है, अगर कहीं पर कोई पुलिसकर्मी इस तरीके से हरकत करता है तो उस वक्त क्या किया जाए, क्योंकि पुलिस है तो सब कुछ है। देखिए आम जनता से लगातार जो है पुलिस यही जो अधिकारी अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरीके के वाक्यात सामने आते हैं या कोई बदसलूकी करता है तो वो उसकी जानकारी पुलिस कार्यालय को दे और पुलिस कार्यालय उस पर जो संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगा। जिस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा था उससे पुलिस की छवि खराब हुई है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, खुद जो आला अधिकारी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि पुलिस का ये हथकंडा काम करने का अच्छा नहीं है, इससे जो है पुलिस की छवि खराब होती है और मित्र पुलिस का जो नारा दिया जाता है कहीं ना कहीं उस पर भी कलंक लगता है। जी बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।